नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है। जिस तरह से आप जानते हैं 21 और 22 को एयरफोर्स स्टेशन में एयर शो होने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस एयर शो को देखने आएंगे और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी लोग इंटेलेक्चुअल लोग भी वहाँ पर आएंगे और इसी के चलते ट्रैफिक विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की है ताकि आप लोग जो आम जनता है उन्हें असुविधा का सामना ना करना पड़े। बताना चाहेंगे कौन कौन से रूट को कहाँ कहाँ डाइवर्ट किया गया है, ये ध्यान से सुनिएगा। 21 और 22 सितंबर 2023 को वायुसेना स्टेशन सतवारी में आयोजित होने वाले एयर शो के यानी के मद्देनजर जिसमें विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और बच्चों सहित यानी कि बड़ी संख्या में लोगों के इस शो को देखने की यानी कि उम्मीद है। और साथ साथ बताना चाहेंगे क्षेत्र में यातायात नियमों को सुचारू रूप और परेशानी मुक्त बनाने के लिए आम जनता को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आम जनता के लिए रूट्स को है वो ने डाइवर्ट किया है जो लोगों की सुविधा के लिए निमित्त लिखित यातायात परिवर्तन किए गए हैं। बताना चाहेंगे आपको समय 5 बजे से 12 बजे तक, बताना चाहेंगे बेली चराना आर एंड वी चौक से सतवारी चौक की ओर जाने वाले सभी वाहन सतवारी चौक तक पहुंचने के लिए वेयर हाउस के माध्यम से यानी कि चौथे पुल का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ सतवारी चौक के आर एंड वी चौक की ओर आने वाले यानी बताएं चौक की ओर आने वाले सभी वाहन गंतव्य तक पहुंचने और साथ ही के लिए अन्य विकल्प मार्ग का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ अखनूर की ओर से यानी केनाल हेड की ओर आने वाले सभी भारी ट्रकों को मुट्ठी चौक से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सांबा बड़ी ब्राह्मणा की ओर से सतवारी चौक की ओर आने वाले सभी भारी ट्रक, साथ साथ कुंजवानी चौक से नरवाल चौक की ओर यानी के आने वाले यानी कि सारी जो ये बताया जा रहा है रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और साथ ही साथ आम जनता से अनुरोध किया गया है कि आप अपनी यानी कि सुविधा को देखते हुए ये बताया कि नरवाल चौक की तरफ से जो ट्रक बताया वहाँ तक जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया ट्रैफिक विभाग की ओर से आम जनता से अनुरोध किया है कि वह यातायात सुचारू रूप से चलने के लिए पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ सहयोग करें और साथ ही साथ अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाए। आम जनता को असुविधा के लिए खेद है, यातायात संबंधी किसी भी सहायता के लिए कृपया निम्नलिखित नंबरों पर यानी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की तरफ से यानी उन्हें संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान से जो लोग भी आप हमें देख रहे हैं इन नंबरों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी बड़ी ब्राह्मणा या सांबा या कुंजवानी की ओर से आने वाले उन्हें कौन सा रोड लेना है और साथ ही साथ अखनूर की ओर से किनार रोड की हट की तरफ आने वाले लोगों के लिए क्या पूरी तरह से प्रावधान किए, किस तरह से रूट डाइवर्ट किया गया है, यानी कौन कौन सी गाड़ियों की अनुमति होगी, ये ध्यान से सुनिए। अब नंबर को नोट कीजिए 0191-245-9048। फिर से नंबर ध्यान से सुनिए, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का है 0191-245-9048, 94191-477-32, 94191-477-32 ये है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का नंबर है। कोई भी जानकारी जानने के लिए आप इन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। 5 बजे से 12 बजे तक ये जो एयर शो होने जा रहा है और ये एयर शो जो होगा एयरफोर्स स्टेशन सतवारी में होगा और जहाँ पर काफ़ी गणमान्य लोग और साथ ही साथ आम जनता के साथ बच्चे भी वहाँ मौजूद होंगे शो को देखने के लिए। उसी के चलते यानी ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है उस एडवाइजरी का आम जनता पालन करें, पुलिस का ट्रैफिक पुलिस का आप सहयोग करिए ताकि आप लोगों के लिए कोई बाधा ना हो और आप लोग घरों से निकलने से पहले ये जो आपको रूट बताए गए इन रूट के माध्यम से आए और साथ ही साथ ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के
आप इन पर जानकारी ले सकते हैं इन नंबरों पर कॉल करके। तो घर से निकलने से पहले कल 5 से लेकर 12 बजे तक जो जो ट्रैफिक एडवाइजरी है आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो अगर कहीं ज़रूरी नहीं है तो थोड़ी देर के बाद भी आप जा सकते हैं, ताकि आपको ट्रैफिक जो डाइवर्शन है या उसकी वजह से या किसी और वजह से आपको सुविधा ना हो। पर ये जो नंबर दिए गए हैं ये आपकी सहायता करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की तरफ से। कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है ट्रैफिक रूट्स को लेकर ट्रैफिक की तरफ से, तो आप इन नंबरों पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और फिलहाल जो जो जानकारी हमें आपको दी है ये ट्रक्स के लिए भी है, बड़ी गाड़ियों के लिए भी है। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियाँ औरों तक भी पहुँचे, तो उन्हें असुविधा ना हो, ताकि वो इन चीज़ों को जो इस समय एडवाइजरी है इसे फॉलो करें और असुविधा से बचें। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और इन नंबरों को ज़रूर नोट कीजिए और दूसरों तक भी ये जानकारी पहुँचाइए, ताकि किसी को भी कल असुविधा ना हो 5 से लेकर 12 बजे तक, जो कि एयरफोर्स स्टेशन सतवारी में एयर शो होने जा रहा है। हमारी फोर्सेस हमेशा, हम ये कहेंगे, हमारे लिए गौरव का पात्र हैं। हमारी फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारा मान है वो, तो हमें इन पर गर्व है। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो इसमें शो होने जा रहा है ये बहुत ही अच्छे तरीके से और सफल शो हो, और आप लोग भी इस शो का आनंद लें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।